साल 1950 एक इंग्लिश मैथमेटिशियन के लिस्ट। अब जब हम एक मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल को बनाने के लिए हमें फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आखिर पाकिस्तान बहुत पीछे है। हम ऑलरेडी जो है फ्यूचर में आपकी कोई वीडियो नहीं होगी। यू विल बी यूजलेस पर्पस। साल 1950 एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। उनके जहन में एक सवाल था और वो सवाल ये था कि क्या मशीन्स इंसानों की तरह सोच सकती है? क्या जब हम इंसान से एक सवाल करते हैं तो इंसान उसके ऊपर सोचता है और उसके बाद हमें जवाब देता है? तो उसके जहन में ये सवाल था कि क्या हम कंप्यूटर्स को, क्या हम मशीन्स को इस तरह बना सकते हैं कि जब हम उनसे सवाल करें तो वो हमें विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग वो हमें उसका जवाब दे। अब इसके लिए वो इस तरह करते हैं कि 1950 में वो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसे कहा जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। इस टेस्ट में वो इस तरह करते हैं कि दीवार के एक साइड पर वो एक ह्यूमन इंटरोगेटर बिठाते हैं, एक एग्जामिनर होता है, और दीवार के दूसरे साइड पर वो ख़ुद एक कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और उसके अलावा वो एक और कंप्यूटर को भी वहाँ पर रखते हैं जिसको वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं। एक ऐसे एल्गोरिथम उसके अंदर वो इंसर्ट करते हैं जिसको वो एबल बनाता है ताकि वो खुद आंसर कर सके। अब जो दीवार के एक साइड पर जो ह्यूमन इंटरोगेटर था तो वो दीवार के दूसरे साइड पर जो कंप्यूटर के सामने शख्स था और उसके अलावा जो दूसरा कंप्यूटर था तो उस पर वो एक सवाल भेजता है और उसके पास जो जवाब आता है तो वो बिल्कुल सेम होता है। लिहाजा इससे एलन ट्यूरिंग ये प्रूफ करता है कि हम मशीन्स को इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, हम मशीन्स को इस तरह एबल बना सकते हैं कि वो हमें कन्विंसिंग आउटपुट दे सकता है और उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं होगी कि वो जवाब हमें ह्यूमंस दे रहा है या फिर मशीन्स दे रहा है। ये जो एलन का जो टेस्ट था जिसे हम कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, तो इसकी वजह से एलन को कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उनकी इस टेस्ट के बाद फिर साइंटिस्ट इस पर मज़ीद काम करते हैं और आज आप सबको पता है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये किस तरह काम करता है, इसको हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह एडॉप्ट कर सकते हैं, इनके मेरिट्स क्या है, इनके डीमेरिट्स क्या है, तो आइए इन सब बातों को अंडरस्टैंड करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम करती है। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर डेटा इनपुट एल्गोरिथम, इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग्स होते हैं यानी कि मॉडल्स होते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन होती है और उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग्स के ऊपर यानी कि मॉडल्स के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इस तरह करते हैं कि स्पेसिफिक टास्क के लिए हम स्पेसिफिक मॉडल्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में एक शख्स है तो वो ड्राइवर है तो उसका काम है ड्राइविंग करना। एक और शख्स है जिसको आपने ट्रेन किया है कि आप कपड़ों को इस्त्री करेंगे तो उसका काम कपड़ों को इस्त्री करना है। एक और शख्स है जिसका काम है वाटरिंग दी प्लांट्स, जो आपके घर में पौधे हैं तो उनको पानी देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस शख्स को आप उस स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक और शख्स होता है आपके घर में जो कि कुकिंग करता है, खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर करता है। तो डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं जिनके डिफरेंट काम होते हैं। अब जो ड्राइवर होता है तो वो इसी वजह से ड्राइवर बनता है क्योंकि उसको ड्राइविंग आती है। अब जो जो कुक होता है
तो इसी वजह से वो कुक बनता है कि वो खाना बना सकता है, उसको पता होता है। इसी तरीके से बाकी जितने भी लोग होते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के टास्क इसी वजह से परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें ये स्किल्स आते हैं। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ऐसे मॉडल्स क्रिएट करते हैं, हम ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जिसमें हम उस मॉडल को उस स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब जब हम एक मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल को बनाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। अब एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम्स ये है कि हम उस मॉडल को बताते हैं कि आपने किस तरह डेटा लेना है, फिर आपने उसके ऊपर किस तरह प्रोसेस करना है, फिर आपने किस तरह इसकी आउटपुट देनी है, यानी आपने प्रोसेस किस तरह करना है। तो इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं और ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यानी एक तो हम मैथ्स में आपने अगर अलजबरा पढ़ी होगी तो वहाँ पर बहुत कम्प्लेक्स किस्म के सवालात आते हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिथम हम बनाते हैं तो ये एल्गोरिथम्स उससे कहीं हज़ार गुना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। अब इसमें एक एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब अगर इसकी नेम पर आप तवज्जो दें तो न्यूरल नेटवर्क ये एक ऐसा हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है कि ये ऐसा वर्क करता है, ये ऐसा काम करता है जिस तरह ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स करते हैं। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं, डेटा को इनपुट लेना, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना, एक कंक्लूसिव तरीके से उसकी आउटपुट देना, तो हमारे ब्रेन में, हमारे जिस्म में उनकी तादाद बेशुमार है, यानी उनकी कोई फिगर मौजूद नहीं है। और ये एक ट्रांसमीटर किस्म के होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से डेटा दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन ब्रेन है तो उसके अंदर जितने भी टास्क होते हैं तो वो न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से ये जो एल्गोरिथम है न्यूरल नेटवर्क, ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि इन मॉडल्स के अंदर इनको बिल्ड किया जाता है और वो बिल्कुल इसी तरह काम करता है, इसी तरह उन इनपुट लेता है, इसी तरह प्रोसेसिंग करता है और इसी तरह हमें आउटपुट देता है जिस तरह एक ह्यूमन ब्रेन करता है। तो इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं डेटा इनपुट। डेटा इनपुट काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि उस मॉडल को हम बहुत जब हम एक मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है। आप सब ने चैट जीटीपी को यूज़ किया होगा और आप सब के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि जब हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं तो ये सवाल हमें कहाँ से आती है। तो अब मैं आपको ये समझाऊँ कि चैट जीटीपी ये एक सर्च इंजन है और इसके पीछे बहुत सारे जो है मॉडल्स जो कि साइंटिस्ट ने या जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, तो उन्होंने इन मॉडल्स को प्रिपेयर किया है। तो जब आप सवाल करते हैं तो चैट जीपीटी इस तरह करती है कि उस स्पेसिफिक मॉडल्स को वो आपका जो सवाल है तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये सवाल जो है आपका है, आप इसके ऊपर जवाब दें। और उस मॉडल्स के अंदर जो है हम एल्गोरिथम्स हमने ऐसे क्रिएट होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उन इनपुट्स को वो लेते हैं, फिर उसके ऊपर वो प्रोसेस करते हैं, फिर उसका हमें वो जवाब देते हैं। तो वो न्यूरल हमारे पास एक नेटवर्क होता है। तो उस मॉडल के अंदर हमने पहले से ये सारा डेटा जो है वो इनपुट किया होता है और वो डेटा उस पर वो सर्च करता है, सोचता है, फिर हमें वो उसका जवाब देता है। फिर जब ये तीन जो स्टेजेस है, इसके बाद जब हम इसको बनाते हैं एक मॉडल को, तो फिर उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग और वैलिडेशन करते हैं। टेस्टिंग और वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फिर इस मॉडल को देखते हैं कि जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने इसको प्रिपेयर किया है, जो डेटा हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो क्या ये जो सवाल हम उनसे करते हैं तो इसकी जो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, जो प्रेडिक्शन ये करता है, तो क्या ये एक्यूरेट होता है या एक्यूरेट नहीं होता। तो फिर उस स्टेज में हम उसकी टेस्टिंग करते हैं।
मिसाल के तौर पर आप चैट जीटीपी से एक सवाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा आपको सही जवाब वो प्रोवाइड करता है। तो इसकी इस स्टेज में फिर टेस्टिंग होती है उन मॉडल्स की और उसकी वैलिडेशन होती है। उसके बाद जो आखिरी स्टेज होता है तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन के ये फिर इन मॉडल्स को हम एप्लीकेशंस में यानी चैट जीपीटी में इन मॉडल्स को हमने डिप्लॉय किया है जिसके थ्रू वो ये सारा सिस्टम वर्क करता है। सो दिस इज़ हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स। फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान ने आज तक सो फार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको आप सबको पता है कि लोग जो है इसको काफ़ी तेज़ी के साथ इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लिहाजा ये एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मेरिट्स भी है और जिसके डी मेरिट्स भी है, यानी इसके फ़ायदे भी है और इसके नुकसानात भी है। तो लिहाजा आइए डिस्कस करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर मेरिट्स के ऊपर बात की जाए यानी इनके जो फ़ायदे हैं, तो सबसे पहले अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो वहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर ये काफ़ी मददगार भी साबित हो रही है। मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप शॉपिंग करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ होती है, मल्टी नेशनल कंपनीज़ दुनिया में, तो वो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आपके मार्केट में जितने भी आइटम्स होते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन से कलर्स लोगों को पसंद है, आपके माइंड को वो रीड कर सकते हैं, वो असेसमेंट कर सकते हैं जिसके थ्रू वो इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं जो कि मार्केट में ज़्यादातर भेजी जाए। तो मार्केट में हम इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी मैसिवली कर रहे हैं। सेकेंडली अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर में इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, पेस्ट को डिस्कवर कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है तो उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं जिससे पैदावार काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इस किस्म के हमने इक्विपमेंट्स, इस किस्म के हमने इंस्ट्रूमेंटल्स जो है वो इन्वेंट कर लिए हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। तो यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो वहाँ पर ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एक फील्ड है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि पहले अगर हम गॉल ब्लैडर या किडनी की ऑपरेशन करते थे तो पहले के ज़माने में हम ओपन सर्जरी करते थे जिसमें एक बहुत बड़ी इंजरी होती थी और काफ़ी टाइम लगता था रिकवर होने में और ज़्यादातर खून भी जाता था और डॉक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होता था और पेशेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला होता था। फिर हमने तरक्की की और फिर हमने लिप्रोस्कोपी किस्म की चीज़ें इन्वेंट किए जिसके थ्रू हमने उस मेजर इंजरी को काफ़ी कवर किया और फिर हम दो तीन होल्स करते थे जिसके थ्रू हम कैमरे को इंटर करते थे और हम सर्जरी करते थे। लेकिन आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मेडिकल फील्ड में, खासकर सर्जरी में यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम थ्रू रोबोट्स हम जो है सर्जरी करते हैं, तो वो ज़्यादातर एफिशिएंट भी है, ज़्यादातर एक्यूरेसी भी वहाँ पर है और इसके थ्रू डॉक्टर्स को भी फ़ायदा हो रहा है और पेशेंट्स को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इसके थ्रू हम लोगों को बचा सकते हैं, काफ़ी लाइफ्स को हम बचा सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स है दुनिया में, पाकिस्तान में तो मैंने आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं देखा, मे बी के होंगे लेकिन मैंने खुद आज तक नहीं देखा। अगर बाहर जाएंगे, ख़ासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं, तो वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो उन सबको
ट्रांसफॉर्म किया गया है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वहाँ पर उनके जो मशीन्स हैं, सब कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया है मशीन्स के ऊपर। तो मेडिकल फील्ड में भी इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री में भी इनका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है वो हो रहा है, और वहाँ पर भी हम इसको जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम गवर्नमेंट के जो सेक्टर है, गवर्नर्स, उसमें भी हम कर सकते हैं। हम ऐसे पॉलिसीज़ बना सकते हैं, अगर ह्यूमंस पॉलिसी बनाएंगे, जो सिविल सर्वेंट है, जो सिविल सर्विस है पूरी दुनिया में, तो वो कोलैप्स करने जा रही है, क्योंकि वो भी सारे चीज़ें आईटी की तरफ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर ह्यूमंस पॉलिसी बनाते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट एक्यूरेट होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते अगर वो काम हम एक मशीन को देंगे। उसमें टाइम भी नहीं लगेगा, पॉलिसीज भी जल्द बनेगी और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर भी उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तरह गेमिंग की बात की जाए, ज़्यादातर जो गेमिंग है तो वहाँ पर हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। और चैट बोट्स की बात की जाए, आपके मोबाइल में आपको पता है ज़्यादातर ऐसे ऐप्स हैं जहाँ आप वॉइस के थ्रू उनको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो आपको आउटपुट देते हैं, तो ये चैट बोट्स हैं। और अगर आपके मोबाइल में जो यूट्यूब में जो है या प्ले स्टोर में है, या आपके मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर है जो असिस्टेंट होता है, तो वो असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक टेक्नोलॉजी है। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स है जो जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं और आपको जवाब देते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो ये उनके थे मेरिट्स, उनके थे फ़ायदे। अब जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे हैं, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जॉब लॉस। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जो ह्यूमंस के जो काम होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं टूवर्ड्स मशीन्स। तो जब मशीन्स को इतने सारे चीज़ें उस पर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो काम पहले ह्यूमंस करते थे तो वो अब मशीन करेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो पाकिस्तान में तो खैर मैंने देखा नहीं है, ना मैं खुद यूएस गया हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी है। और यूएस में एक कंपनी है, टेस्ला है, इसके अलावा वायो एक कंपनी है। तो इन्होंने ऐसे मोटर कार इन्वेंट किए हैं, ऐसे कार्स उन्होंने बनाए हैं जो कि बिल्कुल ड्राइवरलेस है, यानी कि उसमें ड्राइवर नहीं होगा और वो जो है वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर बहुत आम है, टैक्सीज के तौर पर लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको आप एक ऐप के थ्रू आप मंगवाते हैं उनको, फिर उनको आप लोकेशन देते हैं, टारगेट देते हैं, और वो वहाँ पर आपको पहुँचाते हैं। तो अगर ये काम, टैक्सी का काम पहले इंसान करते थे जिसके थ्रू वो अर्निंग करते थे, तो अगर ये मशीन को कन्वर्ट हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो काम ह्यूमन से ले लिया है, तो इस किस्म के बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी के साथ आती है। मेरे ख्याल में मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि पाकिस्तान के शहर मुल्तान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेटर्स का काम जो है वो रोबोट्स करते हैं। तो वहाँ पर पहले अगर वेटर्स काम करते थे, अब अगर रोबोट्स करते हैं, तो ये कोई इतनी सरप्राइजिंग कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में फ्यूचर में ऐसा ही होगा। तो जितने भी जॉब्स हैं ह्यूमन के, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रोबोट्स को। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है जॉब लॉस कर सकते हैं। तो ये एक थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अच्छा, इसके अलावा हम इसका गलत इस्तेमाल जो है वो वेपन्स में कर रहे हैं, टेररिज्म में कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में ऐसे वेपन्स मौजूद है जो कि ऑटोमेटेड वेपन्स है। खासकर अगर इसकी बात की जाए तो इसराइल ने इसका इस्तेमाल भी किया है अगेंस्ट ईरान एंड फिलिस्तीन। ये एक ऐसे वेपन्स होते हैं जिसमें आप इनको डेटा देते हैं कि ये डेटा है, ये शख्स है, ये इसका लोकेशन है, आपने इसको कत्ल करना है, बाकी काम वो खुद करता है। तो अगर ये वेपन्स
जो ऐसे लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल ना हो अगर उनके हाथों में ऐसे वेपन्स चली जाती है। तो मशीन जो है वो तो ये नहीं देखता कि ये चीज़ ठीक है या गलत है, बस वो आपके टास्क पर जो है वो अमल करता है। तो ये जो है गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह न्यूक्लियर में भी इसका जो है वो गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डीमेरिट है। सोशल मैनिपुलेशन की बात की जाए तो इससे सोशल मैनिपुलेशन होती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। डीप फेक्स की बात की जाए तो डीप फेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके थ्रू आपको पता भी नहीं होगा और एक और शख्स या एक ग्रुप आपकी वीडियो बनाएगी और आप उसमें एक स्टेटमेंट देंगे और लोग समझेंगे कि ये आप है, हालांकि आपको पता भी नहीं होगा। तो ये डीप फेक्स एक टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है फ्यूचर में लोगों के लिए। प्राइवेसी और इनसिक्योरिटी की बात की जाए तो आप जो ऐप्स यूज़ करते हैं, अगर वो फेसबुक है, वो ट्विटर है, वो इंस्टाग्राम है, जो भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो है आपकी प्राइवेसी भी नहीं है। आप कौन है, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप क्या काम करते हैं, आप किस तरह बिहेव करते हैं, आपके कौन से इमोशंस हैं वगैरह वगैरह, आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो ये सारा जो है वो मॉनिटर हो रहा है और ये आपकी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अच्छा, इसके थ्रू जो है वो हैकिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और आईटी टेररिज्म जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिज्म, जो ऑनलाइन जो न्यू जनरेशन वार्स है, तो वो भी इसके थ्रू जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये इसके मेरिट्स है और ये इसके डी मेरिट्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मेन हब्स है दुनिया में, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे पास है सिलिकॉन वैली, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। ये एक ऐसा हब है कि यहाँ पर गूगल का हेडक्वार्टर, टेस्ला का हेडक्वार्टर, फेसबुक का हेडक्वार्टर, बाकी जो न्यूमेरियस स्टार्टअप्स है, तो इन सब के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर लोकेटेड है। और ये एक ऐसा रीजन है कि ये जो है काफ़ी हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोथ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। यूएस में जो सेकेंड रीजन है वो है बॉस्टन, यहाँ पर MIT है, हार्वर्ड है और IBM रिसर्च है। कनाडा की बात की जाए तो उनका शहर है टोरंटो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हब माना जाता है। चाइना की बात की जाए तो चाइना इज़ सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना जो है वहाँ पर जो उनका कैपिटल है बीजिंग, तो वो एक मेन हब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अलावा कुछ और इनके सिटीज़ हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उस पर काफ़ी काम हो रहा है। अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो ओपन AI जो कि सहरे फेरिस्ट है, इसी तरह डीप माइंड और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो उसमें हमारे पास है MIT और स्टैनफर्ड। इसी तरह अगर सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जो कि काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रही है इन द रिसर्च ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे है। हम ऑलरेडी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड है तो इसमें तो पाकिस्तान बहुत ही पीछे है। लोगों को यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बजाय ये कि हमारी जो यूथ है, हमारा जो नौजवान नस्ल है, तो वो बजाय ये कि इस फील्ड को संजीदे तरीके से अंडरस्टैंड करे, इस पर फोकस करे, इसको लर्न करे, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हम इस चीज़ में बिजी है कि किस तरह आपने इमेज को कार्टून में कन्वर्ट करना है और किस तरह आपने पिक्चर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। यूजलेस किस्म की चीज़ों में हम जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ज़्यादा जो है बजट एलोकेट करना चाहिए इस फील्ड की तरफ। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है तो इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी जो पॉपुलेशन है 60 से लेकर 67% तक,
तो वो ऐसी है कि इट इज़ लेस देन 30 एज, 30 साल से इनकी उम्र कम है। तो अगर हम उनको सही तरीके से एजुकेट करें, ट्रेन करें, उनको हम स्किल्स दें, तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी तरक्की कर सकता है आईटी में और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में इस फील्ड में अभी काफ़ी पीछे है और इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब अगर इसको कंक्लूड करें तो मैं ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जो कि फ्यूचर में पूरी दुनिया को कंट्रोल करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल हर फील्ड में होगा और हम सबको चाहिए कि हमें इस फील्ड के साथ ख़ुद को अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फील्ड के साथ ख़ुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यू विल बी यूजलेस, पर्पसलेस एंड बेसलेस। क्योंकि अगर आप इस फील्ड के साथ ख़ुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो जो फ्यूचर है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर आपका कोई काम ही नहीं होगा, आपका कोई मकसद नहीं होगा और आपकी मिसाल भी बाकी जानवरों की तरह हो जाएगी, जिसका ना कोई इस्तेमाल करता है ना कोई उनसे काम लेता है। तो हम समझते थे पास्ट में कि जो ह्यूमंस है, ख़ासकर हम मज़हब से भी कोट करते हैं कि वी आर अशरफुल मखलूकात, और अशरफुल मखलूकात हमें इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान जो है वो सोच सकता है, इंसान अच्छाई के बारे में सोच सकता है, इंसान बुराई के बारे में सोच सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये इंसान से ज़्यादातर पावरफुल है, और एक इंसान जो है बहुत सारे इंसानों का काम जो है वो हम एक मशीन से ले सकता है, और जो रिबोट्स हम बना रहे हैं, जो काम हम उनसे करवाएंगे, तो दे विल बी मोर एफिशिएंट, दे विल बी मोर एक्यूरेट, सो ह्यूमन विल बी यूजलेस अगर आप ख़ुद को अपडेट नहीं करेंगे। लिहाजा हम जो क्लेम करते थे कि इंसान जो है सो दे आर सुपर ह्यूमंस, सुपर स्पेशीज दुनिया में, तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो इस बात को भी जो है इसमें एक शक जो है वो क्रिएट कर रहा है कि इंसान जो है वो अब एक सुपर स्पेशी जो है मजीद नहीं है, क्योंकि एक और किस्म की टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि इंसान को रिप्लेस कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेरिट्स भी है, इनके डीमेरिट्स भी है, जो मैंने आप सबके सामने रखे हैं। लिहाजा आप सबको ख़ुद को इसी वजह से भी अपडेट रखना होगा ताकि इसके जो नुकसानात हैं जो कि फ्यूचर में आपको जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए भी आपके पास इससे रिलेटेड जो है वो इल्म होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कभी अपनी वीडियो में ये रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को जो है वो सपोर्ट करें और मेरे इस चैनल को जो है आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपके जो सवाल है उसके मुतालिक आप जो है कमेंट्स करें ताकि मैं आपको आपका जवाब दे सकूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो मैंने मिस की होगी, आप मुझे बेहतर जानते होंगे, तो अगर हम मिलकर लर्निंग करेंगे तो हम जो है सही तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है इसके पीछे मेरा मेन रीज़न भी ये है कि मैं आपको अपडेट रख सकूँ, जो नॉलेज मैं लर्न करता हूँ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसी वजह से अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को जो है वो सपोर्ट करें। थैंक यू।